एवरी वन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ हम देखेंगे कि सेप्टेंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है क्या ब्लेसिंग्स क्या गाइडेंस क्या गुड न्यूज़ क्या अवेयरनेस आपको ध्यान में रखने की जरूरत है इस सप्टेम्बर मंथ में तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग जहां हम सितंबर मंथ के लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं आपके एनर्जीज के थ्रू ये रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं यहां से आपको कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस जरूर मिलेगी ये एक जनरल रीडिंग है हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट हो हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट ना हो तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड ओके तो लेट शफल द कार्ड और हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं जानते हैं कि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या गाइडेंस आ रही है से थैंक यू एंजल्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू सो मच थैंक यू ओके okay. सो so, ये आपकी करेंट एनर्जीज़ हैं नो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एम की तरफ बढ़ रहे हैं और आप किसी एम की तरफ बढ़ रहे हैं और आप एकदम से यू नो अब आप, आप एकदम थ्रेशोल पे पहुँच चुके हैं जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप हार्डवर्क कर रहे हैं अब टाइम है कि वो चीज़ पूरी होने वाली है आप एक दहलीज पे हैं ठीक है आप उस दहलीज़ पे हैं और आप वेट कर रहे हैं बहुत स्लो स्लो आपकी हीलिंग बहुत ही स्लो हो रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा इम्पेशन भी हो रहे हैं आपको ये लग रहा है कि कब तक वेट करना है कैसे चीजें हो रही हैं कैसे आगे बढ़ेंगी चीज़ें बट इट्स लाइक डोंट वरी ओके आपको परेशान होने की चिंता करने की नीड नहीं है आपकी लाइफ में चीजें स्लो हो रही हैं डजेंट मैटर किसी दूसरे की लाइफ में फास्ट हो रही हैं तो अगर आप किसी दूसरे को भी देख के ये सोच रहे हैं कि उसकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो, मिल होती हैं आपके आसपास हो सकता है ऐसे लोग हों जिनको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं नो वो कुछ सोचते हैं और बहुत जल्दी उसे वो यू नो पा जाते हैं और आपको उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है आप वेट कर रहे हैं कि अगर ये मेरा एम है ये मेरा गोल है और मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ तक कब पहुँचूँगा यू नो तो आपके अंदर मुझे वो वेट दिख रहा है थोड़ा सा आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इम्पेशेंस हो रहे हैं बट अगेन मैं याद दिला दूँ आपको कि आप इस जर्नी पे हैं आप इनर वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पेशेंस कितना इम्पॉर्टेंट है पेशेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओके जो पेशेंस रखिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यू नो आपका हार्ट ब्रोकन और डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस चल रहा है विद द थ्री ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपके आसपास आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जीज थी ये आपके क्लोज वन हो सकते हैं यू नो या आपके कुछ क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स आपके लव्ड वंस या जिनसे आपका बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या समवन वेरी क्लोज़ टू यू नो जिनके साथ आप एकदम फैमिली की तरह शेयर करते थे या आपकी फैमिली से भी कोई हो सकता है मुझे ये यू नो एक फ़ीमेल फिगर नज़र आ रही है एक फ़ीमेल फिगर मोस्ट ऑफ़ यू ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एक फ़ीमेल फिगर नज़र आ रही हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा के रखी है और ये वही फ़ीमेल फिगर है जिनकी वजह से आपको डिसअॉइटमेंट मिली है ये कोई भी हो सकता है हो सकता है आपकी मामा के साइड से आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिला हो हार्ट ब्रेक हुआ हो आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हो और चीज़ें वैसी ना हुई हो या आप किसी किसी चीज़ को लेकर आपकी मामा ने या या आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं आपकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं एनी वन बट मुझे ज़्यादा एनर्जी इधर फीमेल की आ रही है हाई ओवर ये आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप बहुत क्लोज रिलेशन भी शेयर करते थे इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको हार्ड ब्रेक दिया है जैसा आपने सोचा था जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी चीजें आपने अपना हंड्रेड परसेंट दिया बट इन रिटर्न आपको वो वो एनर्जी नहीं मिली जो आपने दिया था ओके okay? सो so, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा हार्ड ब्रेक हुआ है आपको यू नो हार्ट ब्रोकन फील हुआ है उसी वजह से आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं यू you नो know? आपका हार्ड ब्रेक हुआ है यू आर फीलिंग लो यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड आप बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हैं और आपको कोई होप नहीं नज़र आ रही यू नो लाइफ में जब आपका यू नो आप इमोशनल लॉस में चल रहे हैं और क्योंकि आप एक इमोशनल लॉस में चल रहे हैं इस वजह से आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फीकी लग रही नो किसी चीज़ में कोई कलर नहीं नज़र आ रहा है बट इट्स नॉट लाइक दैट आप देखें तो आपकी लाइफ में अभी भी पॉजिटिविटी और बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आगे तीन कप्स यू नो गिर चुके हैं बट स्टिल दो कप्स हैं जो फुल हैं जो कप्स हैं दो कप्स हैं जिन्हें आप फुल कर सकते हैं और अब टाइम हो चुका है कि आप ऐसे लोगों से मूव ऑन करें आपकी करंट एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं और आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं मूव ऑन आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में इसीलिए द डेथ कार्ड की भी एनर्जी आई है डेथ no, कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन ये ये टाइम आपकी हीलिंग का टाइम है जो भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ जो भी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी वैसी चीजें नहीं हुई बट उसके अलावा आपको हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट ही मिला जिन लोगों से आपने उम्मीदें रखी थी जिन लोगों से आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी वहाँ से भी आपको ऑल टोटल एक यू नो निगेटिव पैटर्न ही देखने को मिला जहाँ पे आपको समझा नहीं गया जहाँ पे आपको अपनी बात रखने नहीं दी गई जहाँ पे आपसे एक्सप्लेनेशन बहुत मांगी गई और उस एक्सप्लेनेशन के मिलने के बाद भी आपकी बातों को सुना नहीं गया तो ये सब आपकी हीलिंग का एक प्रोसेस है आपकी हीलिंग का एक पार्ट है जहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है ठीक है आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ करेंटली अगर मैं बात करूं तो आप किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली हैं किसी चीज़ की एंडिंग का कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपकी लाइफ में जो एंड हो रहा है या एंड हो चुका है यू you नो know, कोई ना कोई रिलेशनशिप है चाहे वो आपकी फैमिली हो चाहे आपके इन लॉज हों चाहे आपके फ्रेंड्स हों ऑफिस हो वर्क प्लेस कलीग्स एनी एनी कोई भी है बट येस yes, वहां से आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं और बिलीव मी ये, believe me, ये transformation आपको सही जगह तक ले जाएगी जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं जब आपको स्टैंड लेना था शायद तब आप स्टैंड ले नहीं पाए या जब आपने अपना स्टैंड लिया तब लोगों ने आपको समझा नहीं ठीक है आप आपके पास आइडिया क्लियर था आप पॉजिटिव आप, आप थे आपने सब कुछ किया बट स्टिल सम सामने से सा आपको वो एनर्जी नहीं रिसीव हुई सामने बहुत ही ज्यादा मुझे प्रूविंग एनर्जी जैसे आप प्रूव करते गए अपने आप को और आसपास के लोगों ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया आपको समझा नहीं और इस वजह से आपका हार्ट ब्रेक है कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है तो डोंट बी अफ्रेड विद द डेथ कार्ड कई बार डेथ कार्ड को लेकर यू नो सब बहुत ज्यादा यू नो टैरो में जब भी डेथ कार्ड आता है रीडिंग में तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स uh, टो में जब भी डेथ कार्ड आता है तो कई बार हमारी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाती है कि डेथ समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन बट नो मुझे लगता है कि डेथ कार्ड सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत कार्ड है हमारा टैरो डेक का वाई क्योंकि विद द एंडिंग्स कम्स द बिगनिंग कुछ एंड हो रहा है कुछ खत्म हो रहा है उसी के साथ साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत एक नई बिगनिंग हो रही है विद द जस्टिस कार्ड विद द जस्टिस कार्ड यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे क्योंकि अब आप ने अपने हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के पैटर्न में रहे हूँ कार्मिक रिलेशनशिप अब यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशनशिप लवर्स का कनेक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स किसी तरीके का रिलेशनशिप है जो थोड़ा टॉक्सिक था जहाँ आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है आप बहुत स्ट्रांग ब्रीफ पर्सनैलिटी हैं आप बहुत पॉजिटिव और क्लियर माइंड के हैं लेकिन वही है ना हम अपनों के आगे हार जाते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग है आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी है सब कुछ है बट आपको लोग कहीं ना कहीं आपके आसपास के समझ नहीं पा रहे हैं राइट right नाउ आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स में जो भी आपकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है वहां पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है और इस वजह से अब आपने फैसला किया है आपने ये देखा है लाइफ में कि नाउ इस चीज़ को मैं यहाँ खत्म करता हूँ या मैं इस चीज़ को यहाँ खत्म करती हूँ और मैं अब आगे बढ़ूंगी अब मैं अपनी आगे की जर्नी देखूँगी और कही न कहीं ना कहीं इस वजह से आपने सेल्फ लव भी चैरिश किया है अपने ऊपर ध्यान देना अभी तक जो यू नो लव केयर अफेक्शन आप दूसरों को दे रहे थे अब वो आप खुद को दे रहे हैं कुछ ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में करंटली चल रही है बट बहुत ही जल्द आपके पास जस्टिस आ रहा है जो कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप ब्रेव इनफ हैं किसी एक टॉक्सिक जगह को लोगों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करने के लिए इसीलिए यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे आपके साथ जो भी नाइंसाफी हुई जो भी यू you नो know, बुरा हुआ या जो भी चीजें आपके फेवर में नहीं थी आप राइट थे स्टिल आपके फेवर में चीजें नहीं थी तो अब यूनिवर्स यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि डोंट वरी आपकी जो भी करंट एनर्जीज हैं उसके लिए यूनिवर्स आपको अब जस्टिस देने वाले हैं ओके बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एफर्ट्स आपकी मेहनत अब आप रंग लाएगी आप शाइन करोगे आप इंडिपेंडेंट होगे यू you नो know, अगर आपने अपना खुद का बिजनेस वर्क प्लेस जॉब इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे प्रमोशन ढूंढ रहे थे एनी अगर आप ग्रो करने के बारे में सोच रहे थे लाइफ में अब तो यस ये चीज़ होने वाली है आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे ग्रोथ को अट्रैक्ट करेंगे आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा एंड तब जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है या जिन लोगों से आपको डिसअपॉइटमेंट मिली है वहाँ से भी यू विल शाइन और ऐसे लोगों के अलावा भी आपके पास अब आपकी सोल फैमिली से भी लोग आ रहे हैं आपकी सोल फैमिली से भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में आपको अप्रिशिएट करेंगे पास्ट में जिन लोगों ने आपको नहीं समझा अब यूनिवर्स आपको ऐसे लोग देंगे आपकी सोल फैमिली से ऐसे लोग आएंगे जो अब आपको समझेंगे आपकी हेल्प करेंगे आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेंगे आपको नर्चर करेंगे सो डोंट वरी दिस दिस करेंट एनर्जी आई कैन सेंस यू करेंट एनर्जी बट येस इट्स ओके लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ना होता है जब तक हम वो बर्डन यू नो अगर हम हैं हमने बहुत सारा बर्डन रखा हुआ है अगर हम बहुत सारा भार लेके एक साथ चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम एक लंबी दूरी नहीं तय कर पाएंगे एक टाइम बाद हम थक जाएंगे कि कब तक ये भारीपन ये बोझ हम उठा के चलेंगे और आप सबको पता है लाइफ बहुत एक लॉन्ग जर्नी है बहुत लंबी जर्नी है लाइफ तो लाइफ की इस लंबी जर्नी में अगर आप पास्ट के बैगेज को लेकर चलते रहेंगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर पाएंगे इसलिए ज़रूरी होता है कि उसे पास्ट में रहने दें ओके इसीलिए उसका नाम पास्ट है पास्ट को पास्ट में रहने दें एक टाइम आता है जब आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ता है दैट येस अब मैं थक गया हूँ अब मुझे ज़रूरत है कि मैं इस बोझ को यू नो बोझ को इन चीज़ों को इन निगेटिविटी को जो मुझे सर्व नहीं कर रही हैं उनको छोड़ के अब मैं मूव ऑन करूँ तो डेथ कार्ड वही इंडिकेट करता है टू रिलीज टू लिव ओके okay? अब आपका जो भी करंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ बहुत वेट है बहुत पेशेंस है तो इसे यहाँ पे छोड़िए अब अब नई चीज़ों को मौका दीजिए कि आपकी लाइफ में आ सके ऑल राइट ओके लेट्स चेक कि सितंबर मंथ में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सितंबर मंथ में आपकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन आ रहा है जो भी आपकी प्रॉब्लम है निश्चित हम्म नाइट ऑफ सॉर्ट्स ओके आपकी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन है ठीक है स्टैंड फाइट बैक यू you नो know, आगे बढ़िए ठीक है अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही अगर आपने जैसा सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं इट्स ओके आपको स्ट्रांग रहना है जस्ट बिकॉज कि आगे चीज़ें मुश्किल है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तलवार छोड़ देंगे आप लड़ना छोड़ देंगे आप हार मान लेंगे नहीं आपको फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं जाना है आपको फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में आना है सिंपल यूनिवर्स आपको ये स्ट्रेंथ देंगे और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी से नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में आऊँ एंड बिलीव मी मुझे अगेन कार्ड शफल करते टाइम मेडिटेटिव स्टेट में ये कार्ड दिखा था नाइट ऑफ सॉर्ट्स गुर्राइए टेक आई स्टैंड अपने लिए स्टैंड लीजिए आगे बढ़िए अगर आगे चीजें कठिन दिख रही हैं मुश्किल दिख रही हैं तो इट्स ओके okay. आप धीरे धीरे आगे बढ़िए आपको चीजें क्विट करने की नीड नहीं है कि आगे चीजें डिफिकल्ट तो मैं यहाँ क्विट करती हूँ या क्यूट करता ये चीजें डिफिकल्ट स्टिल आप स्ट्रांग रहिए आप आगे बढ़िए यू you नो know? चीजें आप चेंज कर सकते हैं चीजें आप अपने फेवर में लेके आ सकते हैं क्लियर ओके विद द टावर कार्ड ये वी नो कि आपको ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं डेथ एंड टावर टावर कार्ड एक साथ एक रीडिंग में आया है इट्स सो ब्यूटिफुल आपकी लाइफ में आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में सितंबर मंथ से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप देखने वाले हैं आप देखेंगे कि कैसे बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें ऐसी सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही थी वो अब एंड होंगी क्यों क्योंकि गॉड अब आपको यूनिवर्स जस्टिस देना चाहते हैं अब आपको जस्टिस मिलेगा इससे पहले हो सकता है आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं विद द टावर मूवमेंट ओके सो so, यस yes, ऐसा कुछ होगा सितंबर मंथ में आपको स्टैंड लेना है हो सकता है चीज़ें एंड हो रही हैं आपकी लाइफ में क्लेंजिंग हो रही है नेगेटिव पैटर्न्स हट रहे हैं इस वजह से कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ आगे आपको लगे कि हाँ अब फिर से एक यू नो एक ऐसा मुश्किल समय आ चुका है जहाँ पर मुझे फिर से लड़ना है और उस टाइम पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके पास पूरी पावर होगी कि आप लड़ सकें इसलिए प्लीज़ पीछे मत हटिएगा जहाँ पे आपको स्टैंड लेना है जहाँ पे आपको सिचुएशन के लिए बोलना है यू नो जहाँ पे आपको जो एक्शन करना है आप उसे करें डरे नहीं आगे मुश्किलें हैं इसका मतलब नहीं आप पीछे हट जाएंगे नहीं आगे बढ़ें और उनको फेस करें सितंबर मंथ में ठीक है डोंट वरी आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सितंबर मंथ में यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सितंबर मंथ में ओके okay. यस विक्ट्री एंड celebrations विक्ट्री एंड सेलिब्रेशंस आपकी जो भी परेशानियां हैं सितंबर मंथ में आपके लिए यही ब्लैसिंग्स आ रही हैं कि आपकी लाइफ में करेंटली जो भी यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है परेशानियां हैं इट्स गोइंग टू एंड जो भी आपकी जिम्मेदारियां थी जो बहुत ही बर्डन फील करा रही थी आपको लाइफ में हो सकता है इन जिम्मेदारियों इन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो अब यूनिवर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ये बर्डन नो आपकी प्रॉब्लम्स आपकी परेशानियों को कम कर रहे हैं आप जो भी डिसअपॉइंट जो भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है इस टाइम पे आप जिन भी चीज़ों को लेकर दुखी हैं डिसअपॉइंट हैं यू नो जो भी जिम्मेदारियां हैं परेशानियां हैं जिनसे आप लड़ रहे हैं एज अ चैलेंज आप उसे एक्सेप्ट करके लाइफ से लड़ रहे हैं यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से डील करने की विक्ट्री दे रहा है स्ट्रेंथ दे रहा है सप्तम्बर मंथ के में आपके पास विक्ट्री आ रही है स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में चाहे आपकी करियर हो चाहे आपका लव लाइफ हो दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती है आपकी हेल्थ भी हो सकती है यू नो यूनिवर्स अब सितंबर मंथ में आपको विक्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं आप अब जीत रहे हैं यू you नो know? आप हर परेशानी से हर प्रॉब्लम से हर चैलेंजेस से जीत कर आप आगे बढ़ रहे हैं यस यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है ठीक है आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है आप जीत रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं दैट येस yes, एक्चुअली में मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ इसलिए सेलिब्रेशन का भी इतना पॉजिटिव कार्ड आया है सेलिब्रेशन मैं ये कार्ड भी लेना चाहती हूँ आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा पॉजिटिविटी आएगी अच्छा समय आएगा जितना भी यू नो जितना भी अभी आपने परेशानियाँ देखी हैं हार्ट ब्रेक देखा डिसअपॉइंटमेंट देखा जो भी यू नो चैलेंजेस आपने देखे जिन्होंने आपको दुखी किया जिन्होंने आपको अंदर से यू नो एकदम से आपका हार्ट ब्रेक कर दिया अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी विक्ट्री हो रही है आप एंजॉय करोगे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इन द मंथ ऑफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके सितंबर मंथ में आप अपने मोबाइल फोन में यू नो डियर और रैबिट uh, की फोटो लगा सकते हैं डियर स्प्रिट बारह सिंग डियर uh, नहीं uh, मुझे एक्चुअली बारह सिंगा की एनर्जी आ रही है तो जिनके वो हॉर्न्स होते हैं ना सेंगे होती हैं बड़ी सी डियर की तरह होते हैं राइट तो आप उनका वॉलपेपर लगाइए बारह सिंगा का जो डियर की फैमिली में से होते हैं उनका आप वॉलपेपर लगाइए आप रैबिट स्पिरिट की भी वॉलपेपर लगा सकते हैं जब आप इसका वॉलपेपर अपने फ़ोन पर लगाएंगे तो ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी ठीक है आप इसकी स्पिरिट से कनेक्ट होंगे इसकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप यू नो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और रैबिट स्पिरिट इसलिए भी क्योंकि एज आई सेड स्टार्टिंग में ही आप डिले फेस कर रहे हैं आप इम्पेश्स हो रहे हो ना बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं चीज़ों का आप आँख एकदम से यू नो अपने एम पे अपने गोल पे आपने अपनी आंखें टिका के रखी हैं तो जब आप रैपिड स्पिरिट के साथ कनेक्ट होंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें स्पीड अप होना शुरू हो जाएंगी ओके लेट्स चेक व्हाट मोर एस ऑफ कप्सट्रेंथ ओके कहीं ना कहीं आपको लाइफ में स्ट्रेंथ बना के रखनी है इस टाइम पे ओके okay? आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आने वाला टाइम सितंबर मंथ हो सकता है थोड़ा सा हैवी हो यू नो थोड़ी सी हैवी एनर्जीज के साथ आपके पास आए क्योंकि हमने द टावर कार्ड देखा है हमने डेथ कार्ड देखा है हमने थ्री ऑफ शॉर्ट्स देखा है जो कि हार्ट ब्रेक को शो कर रहा है तो ऐसे टाइम पे आपको पूरी स्ट्रेंथ बना के रखनी है आपको यू नो वीक नहीं होना है आपको मजबूत होना है आपको स्ट्रांग होना है और लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी है ठीक है चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है बट येस yes, आपको ये करना पड़ता है यू हैव टू डू इट और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इतना स्ट्रेंथ बना के रखें आप कि आप इन चीजों को अच्छे से चैरिश कर पाएं उस एनर्जी को उस स्ट्रेंथ को आप चैरिश कर पाएं आप इन का भी सपोर्ट ले सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट इज किंग ऑफ कप्स जो कि ये शो करता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान एज आई सेड जैसे कि मैंने कहा कि सितंबर मंथ थोड़ा सा हैवी हो सकता है बहुत सारे ऐसे बदलाव बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स चेंज होना थोड़ा सा यू नो हैवी है तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सेल्फ लव को चैरिश करें इतनी सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियों के बीच में आप अपने आप को ना भूलें कि आप आप कहाँ हैं आप कौन हैं आपको अपने आप को हैप्पी रखने की खुश रखने की बहुत नीड है अगर आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है या कोई लीगल ऐसा मैटर है जिसमें आप जस्टिस चाह रहे हैं हो सकता है ये ये कोई डिवोर्स केस भी हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है किसी ने आपको ना बहुत परेशान किया है बहुत तंग किया है उसके अगेंस्ट भी आपने आवाज उठाई है ठीक है उसके अगेंस्ट आपने आवाज उठाई है तो आपको इस मंथ में सितंबर मंथ में आपको जस्टिस मिल सकता है जो भी यू नो you know, लीगली जो भी डिसीजन आएगा वो आपके फेवर में हो सकता है कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं इस लिहाज से भी आपको जस्टिस मिल सकती है और यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बीच में अपना ध्यान ज़रूर रखें जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर आपको ज़रूरत है कि आप अच्छी नींद लें अच्छी डाइट लें आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें जो काम करना आपको पसंद है आप उसे करें नेचर में इंट्रैक्ट हो थोड़ा सा नेचर में जाएं गार्डनिंग करें या जो भी आपकी हॉबी है आप उसे करें ओके इन शॉर्ट नेचर आपको यही कह रहा है कि आपको अपना भी ध्यान रखना है ठीक है इन सब चीज़ों के बीच में आपको अप, अपना यू नो अपना आ, जो सेल्फ लव है उसे नहीं भूलना है आपके लिए कोई ना कोई यू नो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप सोच रहे थे या आप चाह रहे थे कि इस चीज़ को आप ये चीज़ आपको मिल पाए कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है चाहे वो ऑनलाइन हो मोस्ट मोस्टली मुझे ऑनलाइन दिख रही है कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको यू नो हैप्पी करेगा थोड़ा सरप्राइजिंग होगा बट येस yes, आपको इस इंफॉर्मेशन की नीड थी और आपको ये इन्फॉमेसन मिलेगी कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है कोई ऐसा मैसेज कोई ऐसा ई जिसका आप वेट कर रहे थे तो सितंबर मंथ में वो भी आ रहा है ओके जस्ट बी रेडी अपने आप को रेडी करो कॉन्फिडेंट रहो मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल आप अच्छी करें ओके आपको ज़रूरत है अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करने की सितंबर मंथ में हो सकता है इन सारे बदलाव के बीच में आप थोड़ा नर्वस हो जाएं अपनी बात रखने में क्योंकि पहले भी आपके साथ ये हो चुका है कि जब आपने अपनी बात रखनी चाहिए एक्सप्लेनेशन देना चाहा तो आपको इग्नोर किया गया सुना नहीं गया इस वजह से आपके अंदर यू नो आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा इम्बेलेंस हो सकता है क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया है आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी को पहले ब्लॉक कर किया गया है इस वजह से भी थोड़ा सा आप अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव रखें एंड यस आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करें कुछ ना कुछ नया हर दिन यू नो पॉजिटिविटी के साथ पूरी उम्मीद के साथ होपफुल के साथ पूरी होप के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करें पॉजिटिव वे में यूनिवर्स को थैंक यू बोलें यूनिवर्स को ग्रेटफुल रहें और मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आप कुछ ना कुछ नया जरूर अटार्ट कर रहे हैं बट कुछ नया अट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले वैसा फील करना जरूरी है यू नो हमारे मैनिफेस्टेशन में हमारे टैरो में हमारे मैनिफेस्टेशन हमारे स्पिरिचुअलिटी का जो वर्ल्ड है वहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई चीज़ uh, के पीछे भागना नहीं आपको चेज नहीं करना है चीज़ों को आपको अट्रैक्ट करना है चीज़ों को आपको जॉब चाहिए आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं आप हर जगह जॉब जॉब नहीं आपका जो काम है वो तो आप करेंगे आप हर जगह ट्राई करेंगे एवरीथिंग यू विल डू बट आपको पॉजिटिव रहना है आपको खुद इतना स्ट्रांग पॉजिटिव और लाइट से भरा हुआ रहना है कि आपको नहीं ढूंढना पड़ रहा है बट वो पॉजिटिव एनर्जी खुद आपकी तरफ यू नो अट्रैक्ट हो रही है आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप बस मैजिक क्रिएट कर रहे हैं आप समझ रहे हैं मेरी बात इन केस आप की बॉडी का बहुत ज्यादा वेट है तो आपको ये नहीं कहना मुझे वेट लॉस करना है करना है नो no. चेज़ मत करो उस चीज को अगेन अट्रैक्ट करो कि आई एम ब्यूटीफुल एज़ आई एम और मैं अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाऊंगा या बनाऊंगी मैं जैसा हूँ मैं जैसी हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं आगे भी अपने आप को ऐसे ही बना के रखूँगी मैं आगे भी ऐसा वर्क करूँगी कि मैं अपने आप में और सुधार कर पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ अट्रैक्ट दोज थिंग्स जिन चीज़ों को आप ढूंढ रहे हो उन चीज़ों को आप, आप आपके पास ही हैं वो चीज़ें उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए वो लाइट बाहर लेके आइए फिर जो नया जो रिवॉर्ड जो न्यू थिंग नई चीज़ें आप आसपास ढूंढ रहे हैं वो आपको खुद ही मिल जाएंगी क्योंकि वो आपके ही पास है इस जस्ट डेट कि आपको वो मैनिफेस्ट करना है फिर आपके स्ट्रगल ज़रूर एंड होंगे ओके सो ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग और सितंबर मंथ में आपकी एनर्जीज आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस जरूर मिली होगी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा मैं फिर मिलूंगी एक न्यू गाइडेंस के साथ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और और भी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर पाऊं गाइड कर पाऊं जो भी अपनी लाइफ में लॉस्ड फील करते हैं जो भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं उनको एक होप दिखा पाऊं उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर पाऊं ताकि वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ होप के साथ हैप्पीनेस के साथ और एंजल्स की यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ आगे बढ़ पाएँ इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ आप सभी गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ होप के साथ यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख के हैप्पीनेस के साथ यू नो पेशेंस रख के लाइफ में आगे बढ़ें यूनिवर्स ऑलवेज हैज यू बैक यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है एंड गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर बाय